हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन गोयल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 10 ऑफ क्लास 9th सर्कल्स। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी कि अगर इक्वल कॉर्ड के द्वारा दो इक्वल कॉर्ड से किसी एक सर्कल की सेंटर पे कुछ एंगल बना रहे हैं तो वो दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसका हमने कन्वर्स भी देखा था कि अगर दो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल एंगल अगर सेंटर बना रहे हैं तो दे आर इक्वल ऑल्सो, राइट। उनको अपन ने प्रूफ भी किया था, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दो थ्योरम्स हैं पढ़ने के लिए। उन दो थ्योरम्स को अपन यहाँ पे प्रूफ कर रहे होंगे। देखो, इस चैप्टर में बेसिकली थ्योरम्स बहुत है ना, तो थ्योरम्स अपने को याद भी रखनी होती है और पता प्रूफ भी आना चाहिए ना अपने को। तो पहले थ्योरम लिखते हैं ना, पहले अपन स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट है, इसमें लिखो, स्टेटमेंट है, थ्योरम लिखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये वाली थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, राइट। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इसका प्रूफ भी और क्या इसका मतलब है, क्या इसका यूज है, राइट। तो देखो, हमारे पास बेसिकली क्या, एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, राइट। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसके सेंटर से हमने, इसका सेंटर मैंने मान लिया सी, हमने क्या किया, देखो पहले समझो फिर अपन प्रूफ करेंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब अगर एक कॉर्ड है और एक सर्कल है, ये कॉर्ड है ए बी और ये इसका सेंटर है सी, अगर मैं इस सेंटर से इस कॉर्ड पे अगर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऐसा कुछ, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को, मतलब ए डी बराबर क्या होगा, बी डी होगा। मतलब हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब हमें प्रूफ करना है ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें प्रूफ करने का रह गया अब, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, देखो गिवन एक ही चीज है बस हमारे पास, क्या कि सी डी जो है वो ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। गिवन क्या है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये अपने को पता है कि जो सी डी लाइन सेगमेंट है वो ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो इसको अपने को प्रूफ करना, तो इसको अपन स्टेटमेंट को मिटा देते हैं, है ना, ठीक है क्या, ठीक है, और अपने को ये प्रूफ करते हैं, राइट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, अपने को याद भी रहनी चाहिए। क्या है प्रॉपर्टी, कि अगर मैं किसी भी एक सर्किल के एक सेंटर से एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, सिंपल एज दैट। देखो, सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, तो यहां पे देखो दो ट्रायंगल हो गए ना, एक तो हो गया एसीडी ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल हो गया बीसीडी। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूं, और जैसे ही मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा सोई मेरे को क्या पता लग जाएगा कि यार एडी बराबर क्या होगा, बीडी होगा। तो पहले मैंने क्या बोला कि इन ट्रायंगल प्रूफ, देखें ध्यान से, इन ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल व्हाट बीसीडी, देखो एक तो हमने लिया है एसीडी और एक लिया है बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी, राइट। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या है हमारे पास, सुनना ध्यान से, एसी इज इक्वल टू बीसी, पहली चीज तो जो सबको दिख रही है, एसी बराबर बीसी है, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, दीज आर रेडियस ऑफ सर्कल, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एडी इज इक्वल टू बीडी, तो अपने को प्रूफ करना है, राइट। अब सुनो, देखो सीडी इस वाले ट्रायंगल में भी है और सीडी उस वाले ट्रायंगल में भी है, तो सीडी बराबर सीडी कॉमन, ठीक है क्या। और अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी डी, नॉट ए बी डी, ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या बोल रहे हैं ऐसे, एंगल ए डी सी बराबर एंगल
बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट है क्या? ठीक है क्या? ठीक है, सही है। अब सुनो ध्यान से, इस ट्राइंगल में ये ए सी और बी डी क्या है, बी सी क्या है? हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है। ये क्या है, एक कोई भी साइड और ये है राइट एंगल, तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। देखो आरएचएस में क्या होता है, एक राइट एंगल बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनियस बराबर होनी चाहिए और कोई सी भी एक साइड बराबर हो जाए। तो यहां पे देखो हाइपोटेनियस बराबर है, एक साइड कॉमन है, मतलब एक साइड और बराबर है और 90 डिग्री भी है, तो देयरफोर बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी वी कैन से दैट ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी डी। तो ट्राइंगल ए सी डी क्या है, बी सी डी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है, राइट? ठीक है क्या? तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो देयरफोर बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट वॉट ए डी बराबर क्या होगा बेटा, बी डी होगा। और अगर ए डी बराबर बी डी है तो अपन क्या बोल सकते हैं, सी डी बाइसेक्ट ए बी। देयरफोर वी कैन से दैट सी डी बाइसेक्ट ए डी ए बी, राइट है क्या? ठीक है क्या? ठीक है, तो ये हो गया हेंस प्रूफ्ड, यही अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो कर लेंगे, समझ में आ गया। तो ये अपने को याद रखना है क्या प्रॉपर्टी है, कि अगर मैं किसी भी सर्किल पे सेंटर से किसी भी एक कॉर्ड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो दैट कॉर्ड बाइसेक्ट बाय दैट परपेंडिकुलर, और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दैट कॉर्ड। कहानी पकड़ में आ गई क्या? अच्छा दूसरा इसी का कन्वर्स है ना, दूसरी थ्योरम। देखो थ्योरम है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है क्या? ये अपने को पास है ना, ये अपने को प्रूफ करना है। देखो ध्यान से सुनना, अपने को यहां पे क्या प्रूफ करना है, देखो अपने को यहां पे क्या प्रूफ करना है कि एक द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब इसका उल्टा हो गया ना, कि अगर एक लाइन मैं इसके सेंटर से ड्रॉ करता हूं और वो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है लाइन, ठीक है क्या? तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब अब जो गिवन है वो हमारे पास क्या है कि AD बराबर BD हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, CD इज परपेंडिकुलर टू AB, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, CD इज परपेंडिकुलर टू AB। और अगर CD इज परपेंडिकुलर टू AB है सो इट मींस व्हाट, कि एंगल ADC बराबर एंगल BDC बराबर 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है क्या? ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बात करते हैं प्रूफ, ध्यान से देखेंगे ना, इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक यहां पे आ जाएगा और थोड़ा वहां पे आ जाएगा, राइट? इसको ज्वाइन किया मैंने, अब सुनना ध्यान से ना। अब अगेन मैंने क्या किया, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ACD और एक बन रहा है BCD, तो इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BCD, राइट? AC इज इक्वल टू BC अगेन व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट? तो AC बराबर क्या होगा बच्चा, BC के बराबर होगा कैसे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है क्या? दूसरी बात क्या होगा, CD बराबर CD कॉमन है, दोनों में है ना CD, तो CD बराबर CD कॉमन। अच्छा, और दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, कि भाई AD बराबर BD है, कैसे, गिवन है, तो ये तो हमें गिवन है ना भाई। देखो यार, आपको ये दिया हुआ है ना, AD बराबर BD बाइसेक्ट कर रहा है,
तो ये चीज तो आपको गिवन है। तो किसी भी दो ट्राइंगल की अगर तीनों साइड बराबर हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी। सो देयर फॉर वॉट वी कैन से, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी डी, राइट। सो दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, सो देयर फॉर बाय सीपीसीटी, देयर फॉर बाय सीपीसीटी वॉट वी कैन से दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। अब देखो अभी हमने ये प्रूफ नहीं किया कि दे आर 90 डिग्री, अभी हमने बस इतना प्रूफ किया है कि दे आर इक्वल। अब हमें ये भी तो प्रूफ करना है कि वो 90 डिग्री के भी होंगे, ये भी तो प्रूफ करना जरूरी है, तो पहले वो प्रूफ भी करना है। तो देखो ए डी सी और बी डी सी क्या है, बराबर है। नाउ वी कैन सी दैट एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, राइट है। तो अब ए डी सी बराबर बी डी सी है, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, राइट है। सो देयर फोर वी कैन से दैट एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अपन क्या बोल सकते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है क्या, कर लेंगे ना, कर लेंगे। तो आज हमने दो थ्योरम पढ़ी है। एक थ्योरम में क्या है कि अगर आप किसी भी एक सर्किल पे, सर्किल में सेंटर से लेके अगर आप किसी भी एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और एक क्या है इसका, उल्टा है। अगर आप किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ते हो तो जो लाइन आएगी वो परपेंडिकुलर होगी, कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि सर्किल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, ठीक है, कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहें, थैंक यू सो मच।